प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार अनम शेख को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी, हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय सियाराम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिल दुखाने वाला पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि कश्मीर 76-77 सालों से ये कहते हुए हमने सुना है कि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, और बस पाकिस्तान का, और इसको हम वापस लेके रहेंगे। पाकिस्तान का है, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वहां पर जितने भी प्राचीन जमाने के मंदिर थे उन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो सिकंदर शमीरी ने जो कि 600 साल पहले इस मंदिर को तोड़ा था, अब अगर सोशल मीडिया पे इसकी बात करें, इसके बारे में सर्च करें, तो इसे जिन का एक वो एक घर कहा जाता है। तो मैम मुझे बताइएगा कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि प्राचीन जमाने के मंदिर को दोबारा बनाया जाएगा, तो 70 हटाया गया कश्मीर के अंदर से, और उसके बाद राम मंदिर की इनोग्रेशन पे यहाँ पर जो मतलब एक वो इबादत की गई जानिब से, पंडित जानिब से, और सब कुछ जो कि बदल रहा है, पंडित वहां पे आ गए हैं, क्या आपकी अपनी राय है? अनम, ऐसा है कि 7th सेंचुरी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, ठीक है, 7th सेंचुरी, अब सोच लो आप। और 1400 AD में शाहमीरी ने सालों इस मंदिर को तोड़ने में लगाया और मंदिर के निशान को खत्म करने में लगाया। इवन बाद में शामीरी जो के एक पर्शियन था, बाहर से आया था, उस मंदिर को जब वो तोड़ नहीं पाया, निशान नहीं मिटा पाया, अनंतनाग सूर्य मंदिर को, तो उसने उसमें आग लगा दिया और वो मंदिर आग की लपेट में सालों लगा रहा, सालों। फिर भी उस मंदिर के नक्श नकाशी, उस मंदिर के जितने भी निशान थे वो मिट नहीं पाए, और आज भी आधे अधूरे ढांचे में वो मंदिर वहीं की वहीं खड़ी है। इवन हमारे बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस हैं, इसलिए मैं अपने अपने भारत के बॉलीवुड को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी उनको इज्जत नहीं देती हूँ। बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी मूवी के द्वारा उस भव्य भव्य अनंतनाग सूर्य मंदिर को शैतान का गुफा साबित करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था, जिसमें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का सबसे अहम रोल था। इवन वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया था प्रोहिबिटेड एरिया का, कि वहां पर शैतान का घर है, वहां पर जिन जिन्नातों का घर है, वहां पर जिन्नात बसते हैं, वहां पर शैतान बसते हैं। और कई बॉलीवुड के फिल्मों में भी उस मंदिर के को के आगे पीछे शूट करके ये बताया गया कि वो शैतान का गुफा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर साल 5th फरवरी पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे मनाता है, पाकिस्तान कश्मीर के लिए मनाता है ना, सच बोल रही हूँ ना, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई भी सॉलिडेरिटी डे नहीं मनाया जाता है, कभी भी नहीं मनाया जाता है। अब क्योंकि अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, उसके बाद बेनजीर भुट्टू, उसके बाद भी बेनजीर भुट्टो के दलाल, दल्ले, चम्मच, चुन्नू मुन्नू, आतंकवादी, लश्कर ए तैयबा, यासीन मलिक, इन सब ने अपनी एक टीम बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने की और जम्मू एंड कश्मीर को आतंक का गढ़ बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। हमने कभी भी सॉलिडेरिटी डे नहीं मनाया कश्मीर में, क्यों मनाएंगे भाई? हम तब भी कश्मीर को अखंड भारत मानते थे और आज भी हम कश्मीर को अखंड भारत मानते हैं, पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, बस नाचने लगते हैं, किसी की भी बारात जाए, शहनाई बजे, नाचना तो जरूरी है। अब ऐसे सिचुएशन पे 7th सेंचुरी मतलब 1400 साल, इवन 1400 साल से पुराना, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई अनंतनाग सूर्य मंदिर में हो गई है पूजा आराधना, अनंतनाग सूर्य मंदिर जो पीओके से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर हो गया है पाठ पूजा, वहां पर हो गया है हनुमान चालीसा का पाठ। अब ये लोग चाह रहे हैं कि राम मंदिर की तरह अनंतनाग सूर्य मंदिर को भी
बिल्कुल भव्य राम मंदिर बनाया जाए और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए, ये पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है। और हाउस अरेस्ट हुए हुए और चेहरे पर नकाब डाले हुए आतंकी और जिहादी टाइप के अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार को भी समझ में आ रहा है। तो अब समझना ये जरूरी है कि एक मंदिर है, भव्य मंदिर है, जो 1400 साल से पुराना है, वहां की संस्कृति, वहां का सिविलाइजेशन, वहां का स्ट्रक्चर, वहां के नक्श नक्काशी, वहां के पिलर, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें इस बात को चीख चीख करके बता रहा है कि वो 1400 साल से पुराना है और वो तब भव्य खूबसूरत मंदिर था और इस्लाम 1450 साल पुराना है। तो अब ये तय करना पड़ेगा मुसलमानों को कि उनको सच्चाई माननी है या बाबर और अकबर को मानना है, ये मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। अब मुसलमानों को ये भी तय करना पड़ेगा कि बाबर अकबर औरंगजेब जो बाहर से आया था, जो भारत का बुरा करने के लिए जिसने अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी शैतानी दिमाग को लगाया था, भारत के हिंदुओं की संस्कृति और सिविलाइजेशन को जो अकबर बाबर औरंगजेब ने खिलजी ने जो खत्म करने की कोशिश की थी, क्या भारत के मुसलमान उसी बाबर अकबर का नाड़ा पकड़ करके चलते रहेंगे? या जिस धरती पर, जिस हिंद की धरती पर, जिस हिंदुओं के हिंद की धरती पर नाज़िया इलाही खान जन्म ली है, मेरा कर्तव्य है कि उस हिंद की धरती और उस हिंदुओं के सिविलाइजेशन और सभ्यता और संस्कार को नाज़िया माने, तभी नाज़िया भारत की पुत्री कहलाएगी और तभी मैं वफादार होंगी अपने देश के लिए। कश्मीरी लैंग्वेज में हम कहते हैं क्रेवा, कश्मीरी लैंग्वेज में क्रेवा, जो स्ट्रक्चर वहां पर है, जो नक्काशी वहां पर है, जो 1400 साल से पुराना मंदिर का जो ढांचा वहां पर खड़ा है, उसको क्रेवा कहा जाता है। किसी कश्मीरी से पूछिएगा तो वो बता देंगे। अब 730 एडी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, जब कश्मीर में इस्लाम दूर दूर तक नहीं था। इस्लाम किसको कहा जाता है ये भी किसी को नहीं पता था। और राजा ललित आदित्य इतने ज्यादा सनातन धर्म के फॉलोअर थे और उन्होंने कश्मीर में काफी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, काफी बड़ी बड़ी भव्य मंदिर बनाई थी, बौद्ध के बहुत सारे उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, उन्होंने जैन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिस पर बाद में गजनवी, अकबर, औरंगजेब, शाहमीरी ने उस स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें से कई ऐसे स्ट्रक्चर है जो आज भी कश्मीर में ढांचे नुमा खड़े हैं और जिसका ढांचा ये चीख चीख कर बताता है कि वो कभी मदरसा नहीं था, वो कभी मस्जिद नहीं थी, वो कभी भी कोई मुसलमानों की मजहबी और धार्मिक स्थान तो नहीं थी। अब जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत बहुत मुसलमान पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान कहते हैं कि नहीं वो तो हमारी बाबरी मस्जिद थी, नहीं उसका ढांचा नहीं था, उसका टुंब था, टुंब तोड़ करके बनाया गया था मस्जिद नुमा, लेकिन ढांचा जो था वो मंदिर का ही था, बिल्कुल हर हाल में मंदिर का ही था, जो ASI के रिपोर्ट में सामने आ गया। अब एक वक्त था, अनम हिस्ट्री आज बता रही हूं मैं, कोई मतलब ब्लंट पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रही हूँ, आज मैं आपसे हिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ। एक वक्त था जब अरब और तिब्बत दोनों ने कश्मीर पर हमला किया था। आज जो कश्मीरी की जुबान है, आज जो कश्मीरियों का अपना एक सिविलाइजेशन है, आज जो कश्मीरियों का अपना एक रिचुअल है, अपना फेस्टिवल है, वो नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि अरब और तिब्बत ने जिस हिसाब से हमला कश्मीर के ऊपर किया था, आज कश्मीरी कश्मीरी नहीं होते, तिब्बतन होते, तिब्बत का भाषा बोल रहे होते। पर यही राजा ललित आदित्य ने जिस हिसाब से अपनी बहादुरी से कश्मीर को दोबारा अपनी ही जन्म स्थान को, अपनी ही धरती को दोबारा फतह किया, दोबारा उन्होंने मतलब क्या कहेंगे उसको, कॉरोनेट किया, ताजपोशी अपनी दोबारा की कि वही वहां के किंग है, वही वहां के राजा है, राजा ललित आदित्य, और उन्होंने तिब्बत से और अरब से कश्मीर को सेव किया, बचाया। पर उस हमले के दौरान भी अरब और तिब्बत का बस एक ही मतलब इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से राजा ललित आदित्य के बनाए हुए धार्मिक स्थानों को, धार्मिक और सेंटिमेंटल स्थानों को डेमोलिश और डेविस्टेट और रुइन कर दिया जाए। यही अरब और तिब्बत का फर्स्ट इंटेंशन था कि बस कैसे भी करके यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाए। पर राजा ललित आदित्य क्योंकि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही नीडर टाइप के राजा थे, तो उन्होंने अपनी बहादुरी से कश्मीर को दोबारा अपने अंडर लिया और जैसे जो प्रथाएं, जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन चल रहा था कश्मीर का, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा।
अब 1200 साल पहले मंदिर कितना भव्य था, कितना खूबसूरत था, और कितनी खूबसूरत उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो राजा ललित आदित्य के दौर में हुई होगी, ये अभी का मतलब अनंत नाग सूर्य मंदिर अभी का स्ट्रक्चर चीख चीख कर गवाही दे रहा है और बता रहा है कि वो एक भव्य मंदिर थी। और आज भी शाहमीर के स्लीपर सेल जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जब जब ज्ञानवापी का मामला आता है, आपने हालिया में शारदापीठ मंदिर जैसे जज्बात जुड़े हुए हिंदू धर्मा के मंदिर को आप लोगों ने पाकिस्तान में तोड़ करके डिमोलिश करके उसको गिरा करके आप लोगों ने वहां पर कॉफी शॉप बनाया। 1288 मंदिरें जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1288 मंदिरें पाकिस्तान में थी, आज सिर्फ 21 मंदिरें पाकिस्तान में बची हैं। सारे मंदिरों को आप लोगों ने तोड़ करके वहां पर मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, इमामबाड़ा बनाया। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि 1288 जिन मंदिरों में कभी हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर भगवद गीता के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर आरतियां उतारी जाती थी, जहां पर घंटियां बजाई जाती थी, जहां जिस मंदिर के चौखट को चूमते थे लोग और देवी देवताओं के चरणों पर फूल चढ़ाते थे लोग, जहां की दीवार दीवार चीख चीख करके उन पाठों को दोहराती है, क्या अलकुरान इस बात की इजाजत देता है कि जहां पर भी पूजा आराधना हो रही है वहां पर कुरान की आयत पढ़ी जा सकती है? आप कुरान उठाइए अलकुरान और आप खुद पढ़िए मायने से। अलकुरान इस बात की कभी इजाजत नहीं देता है कि कोई भी मुसलमान अपने अलकुरान की आयतों और सूरतों को उस जगह पर पढ़े जहां पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे पर पूजा या आराधना। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो मजहब के ठेकेदार हैं और खासकर जिन्होंने कन्वर्जन पे ध्यान दिया और खासकर मंदिर तोड़ के वहां पे अलग अलग चीजें बनाई उनको जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।